नमस्कार, एनबीएन हिंदी से इस वक्त मैं आपके साथ हूं विक्रम दत्त, और मेरे साथ में है एनबीएन हिंदी के करंट अफेयर एडिटर अजय परमार और एनबीएन हिंदी के पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर रंजन दवे। आज हम बेसिक बात में फिर से किसान आंदोलन की बात करेंगे। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, किसान आंदोलन अभी तक चल रहा है। सरकार झुकने को तैयार नहीं और किसान अपनी बात पे अड़े है। बहुत कुछ हो रहा है, सरकार अपनी तरफ से कुछ बयानबाजी कर रही है, लेकिन किसानों का एक ही कहना है, एक ही बात पे अड़े हुए हैं। उनकी बेसिक बात यही है, बिल जो सरकार ने पास किए हैं उनको वापस लें। अब ताजा हालात क्या है, क्या होगा इस पूरे मसले पे, हम अजय से जानना चाहेंगे। आखिर किसानों का अड़ियल रुख और सरकार की शक्ति कब तक चलेगी अजय? देखिए, अभी जो परिस्थितियां बन रही है, सरकार ये मान के चल रही है कि किसान वापस पहले के जैसे उग्र हो सकते हैं, जैसा कि सरकार की तैयारियों से नजर आ रहा है। जिस तरह से वो रस्तों को रोक रही है, वॉल्स बना रही है, कंक्रीट वॉल्स बना रही है, कीले वगैरह लगा रही है, तो देखा जाए तो इस तरह से एक इंप्रेशन सरकार का गलत जा रहा है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ये कहते नहीं थक रहे हैं कि हम सिर्फ किसानों से एक कॉल दूर हैं और हम इस आंदोलन को, इस समस्या को सुलझाने के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। लेकिन उसको आप इस तरह से नहीं बता सकते कि हम साथ में ऐसी सख्ती से तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आंदोलनकारियों के विश्वास का मामला है। अगर आप आंदोलनकारियों का ये मुद्दा सुलझाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आंदोलन खत्म हो, तो आपको उन्हें सबसे पहले विश्वास दिलाना पड़ेगा कि नहीं, सरकार उसके लिए तैयार है। तो ऐसा संदेश आपको देना पड़ेगा, जबकि इससे एक नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा है और वापस किसानों के साथ जनमानस की सहानुभूति जुड़ रही है। हम रंजन से जानेंगे, डॉक्टर रंजन बताएंगे आपको कि किसानों का रुख क्या है और इसमें, इस पूरे बेसिक बात में या बेसिक मुद्दा कहें, अगर किसानों का बिल का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें राजनीतिक किस हद तक हो रही है या क्या नजरिया है? डॉक्टर रंजन जी, विक्रम, जैसा कि घटनाक्रम ये सब देखने को मिल रहा है किसान आंदोलन की बात को लेकर के, शुरुआत अगर इसकी देखी जाए तो पंजाब से हुई थी। पंजाब में किसानों ने आंदोलन किया, काफी लंबा आंदोलन चला, 72 दिन आज हो चुके हैं इस आंदोलन को अगर देखा जाए तो मोटा मोटे तौर पर। और इस 72 दिनों का जो घटनाक्रम देखा जाए, पंजाब से आंदोलन हुआ, पंजाब में ट्रैफिक जाम दिया गया, धरना दिया गया, लेकिन पंजाब से बात नहीं बनी, तो फिर किसानों ने कूच किया पंजाब से दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर जब कूच किया, दिल्ली में उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया, सिंधु बॉर्डर पर, उसके अलावा गाजी बॉर्डर पर। तो किसानों का जो आंदोलन है, और सबसे रोचक बात इस आंदोलन से जुड़ी हुई कि एक आंदोलन की नई परिभाषा और नए तरीके का एक आंदोलन देखने को मिला। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप पार्टी जब दिल्ली में सरकार बनाती है, उससे पहले एक आंदोलन करती है जी। वो आंदोलन अलग तरह का था, उसमें यूथ मूवमेंट बड़ी संख्या में था, दिल्ली में तख्त पलट हुआ, शीला दीक्षित जैसी मंझी राजनेता का तख्त पलट किया गया। किसने किया? दिल्ली के लोगों ने किया, और दिल्ली के लोगों में भी जो यूथ उनके साथ जुड़ा था, जो आईटी की टीम उनके साथ जुड़ी थी, उन्होंने वहां सत्ता परिवर्तन किया। उसी तरह का एक आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। किसान देश की अस्मिता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया है, क्योंकि यह भी एक राजनीति और चर्चा का विषय है। नहीं, फिर इसमें राजनीतिक स्तर की बात करें तो राजनीतिक पार्टियां या विपक्ष इस मुद्दे पर क्या रुख रखे हैं अपने? क्योंकि जैसा मैं बताता हूं कि आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं जो पंजाब की सरकार है वहां, क्योंकि राज्य का भी मुद्दा है, केंद्र ने नियम बनाए हैं, केंद्र ने कानून बनाए हैं, उनको लागू करना है। यहां राज्य सरकार की भी भूमिका रहती है। अब राज्य सरकार, क्योंकि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां आंदोलन नहीं दिख रहा है, कांग्रेस की जहां सरकार है वहां भी कुछ क्षेत्रों में जमकर आंदोलन दिख रहा है। आत्महत्या किसानों के बारे में सुनने में मिलता है अधिकांश महाराष्ट्र में। इस आंदोलन में महाराष्ट्र का किसान पूरी तरह से नदारद दिख रहा है, क्या वजह है? जबकि वहां शिवसेना गठबंधन की सरकार है, पंजाब मेजोरिटी में है, पंजाब के चुनाव आने वाले हैं। तो सबसे बड़ी राजनीति इसमें यह भी देखी जा सकती है कि 2021 में ही विधानसभा के चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि इसका परिप्रेक्ष्य वहां से भी देखने को मिल सकता है जी।
डॉक्टर रंजन ने राजनीतिक नजरिए से बताया कि पंजाब में विधानसभा चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं राजनीति इसमें हो रही है। हम अजय से जानना चाहेंगे, अजय जो आंदोलन चल रहा है, आखिर बिल क्या है, किसको फायदा है, किसको नफा है, किसको नुकसान है, क्या बताएंगे आप? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चूक तो ये कहना चाहिए कि सत्ताधारी दल की रही, जिस तरह से बिल को पेश किया गया और बिल को पास करवा लिया गया इस और उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, इससे ये साफ नजर आता है कि सरकार इस बिल को लेके इससे जुड़े जो लोग हैं, जिनके लिए बिल है, उन लोगों का विश्वास जीतने में असफल रही और उसी की परिणति है कि यह आंदोलन शुरू हुआ, जो अब सरकार के बूते की बात नहीं लग रहा। हालांकि कल सभा सदन में संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जरूर कहा कि हम जैसा किसान चाहते हैं इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि इसका यह मतलब नहीं कि इन बिल में कुछ कमियां हैं। यानी वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आप संशोधन की बात करें, हम संशोधन को तैयार हैं, लेकिन बिल को लेकर हमें आज भी कोई गलतफहमी नहीं है। उनका यह दावा है कि बिल किसानों के लिए फायदे का मिला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही है, राज्यसभा की क्या स्थिति है? राज्यसभा की स्थिति में अगर आप देखें तो जब भारत के कृषि मंत्री अपने बयान दे रहे हैं, उस बिल को विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सदन आपको खाली नजर आता है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। सदन आपको खाली नजर आता है और वे ही लोग जो सदन से जुड़े हैं वो वहां किसानों के बीच उनकी राजनीति कर रहे हैं, तो यह बात देश की जनता देख रही है। पहले यह व्यवस्था नहीं थी कि आप सदन में क्या चल रहा है उसे देख सकते हैं, लेकिन आज तो जागरूक लोग हैं, वो देखते हैं, समझते हैं किसानों के मुद्दे पर। जहां तक बात की अजय ने जैसा बताया कि सभी सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, सभी स्तर पर बात करने के लिए तैयार है, उसके बावजूद जो घटनाक्रम लगातार होता जा रहा है, जो राजनीति की जा रही है, उसको ये इस विषय पर समझना है, क्योंकि अब किसानों का जो शुरुआती दौर का जो आंदोलन था वहां से तो बात काफी आगे निकल जा चुकी है। बिल्कुल, ये इसीलिए इसको अगर आप देखें तो प्रारंभिक तौर पर यह आंदोलन शुरू हुआ था पंजाब से। पंजाब की अगर बात करें तो वहां की मंडियों की जो व्यवस्था है वो ये है कि जो सबसे बड़ा दो मुद्दे हैं किसानों के जिनको लेके वो आंदोलन हुए, एक तो एमएसपी और एक मंडी व्यवस्था। एमएसपी का वैसे भी आप देखें तो सबसे ज्यादा फायदा पंजाब के किसान उठाते हैं, उसके बाद हरियाणा के किसान उठाते हैं, तो ये नेचुरली उनके लिए एक पीड़ा का मामला हो सकता है। दूसरा जो मंडी की व्यवस्था है, तो पंजाब की अगर बात करें तो जो एक दावा किया गया है और जो बिल की कॉपी भी बताई गई है, पंजाब सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि अगर किसान किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एंटर होता है तो वो एक व्यवस्था है, लेकिन अगर किसी कारण के चलते वो व्यवस्था टूटती है, कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, तो उसमें किसान को हर्जाना भरना पड़ता है, उसमें सफर किसान करता है। जबकि आप देखें पंजाब के किसानों की अगर इस आंदोलन की बात करें तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि इस बिल को लेकर तोमर नरेंद्र तोमर का ये क्लियर कहना है कि हमने जो व्यवस्था की है वो हमारी एपीएमसी को असर नहीं डाल रही है। एपीएमसी राज्य का विषय है, किसानों को फायदा हो रहा है, एपीएमसी राज्य का विषय है, लेकिन एपीएमसी के बाहर जो डील होगी, जो ट्रेड होगा, जो प्राइवेट बायर्स होंगे, जैसा कि अडानी वगैरह का आरोप लगा रहे हैं, उसमें उन्होंने किसानों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की है। उनका ऐसा कहना है इस बिल के अनुसार मंडी व्यवस्था के बाहर जो भी ट्रेड डील होगी उसमें केंद्र सरकार किसी तरह का टैक्स नहीं ले रही, जबकि मंडी में जो भी ट्रेड डील हो रही है, मंडी में जो भी खरीदारी हो रही है, उसमें राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो उनका यह पूछना है कि इसमें किसान ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये उनके हित की बात है, जबकि व्यवस्थाएं दोनों जारी है, उनको जैसा सूटेबल लगता है, जो अच्छा लगता है उसको वो डील करें। बहुत बड़ी बात हो गई है। एक साथ में ये बताना चाहूंगा कि किसानों का मुद्दा है, किसानों का आंदोलन है, पंजाब की बात करें, आंदोलन वहां से शुरू हुआ, पंजाब में किसानों को बिजली मुफ्त मिलती है, राजस्थान में नहीं मिलती, गुजरात में नहीं मिलती, कभी ऐसे आंदोलन नहीं हुए कि जब पंजाब देश एक है, पंजाब में मुफ्त बिजली, राजस्थान में क्यों नहीं। हालांकि यहाँ पे आंदोलन होने की कोशिश की, लेकिन एक बात कहूं साथ में, सत्ता का हमेशा एक तरीका रहा है कि आंदोलन जब जब भी हुए उनको कुचला गया है। अब इस मामले में जब इतना कुछ हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? डॉक्टर रंजन आप बताएं, सरकार क्या कर रही है इस मुद्दे पे, उनका क्या नजरिया है, आपके नजरिए से? जी, सरकार, केंद्र सरकार बराबर जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है, चाहे शुरुआत पंजाब से हुई, तब भी सरकार ने लगातार वार्ता के लिए बात की है, प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है। आप देखें जो घटनाक्रम पिछले एक महीने पहले जो देखने को मिला था, सरकार ने
द्विस्तरीय त्रिस्तरीय वार्ता बुलाई, वहां सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधिमंडल है, उनसे बैर रख रहे हैं आप, आपने वहां भोजन ग्रहण नहीं किया, चलिए आपका निजी मसला है, तो सरकार ने पहल करके आपके साथ लंगर लगाया, आपके साथ में लंगर चखा, तो सरकार तो मतलब एक सामंजस्य के भाव से काम करने की मंशा के साथ में काम कर रही है। निश्चित तौर पर किसी भी सरकार के द्वारा सभी लोगों को संतुष्ट कर पाना एक बहुत दुष्वर काम है। अजय, इसमें जैसे कहा कि सरकार हर किसी को कुछ नहीं कर सकती, क्या ऐसा हो सकता था जब बिल बना या कानून जब बना, जब इस पर चर्चा शुरू हुई, तो जो किसान नेता है या जो किसानों की बात को समझा सकते हैं सरकार को या सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं, तो क्या सरकार ने ये पहल नहीं की कभी कि किसान आए और बताए उनको किस बात की जरूरत है ताकि हम इस बिल को और अच्छे तरीके से बना सकें। हालांकि जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, कल राज्यसभा में संबोधित करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने ये कहा कि हमने पिछले दो महीने से विपक्ष को इस बिल के बारे में चर्चा के लिए बताया, इस बिल के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि तब इन्हें बिल में कोई कालापन नजर नहीं आया, लेकिन अब सभी को कालापन नजर आ रहा है। हालांकि ये स्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि बुनियादी तौर पर इस बिल को लाते समय सरकार की तरफ से कुछ खामियां रही हैं। आप हालिया पास हुए एजुकेशन बिल को देखें, एजुकेशन बिल का ड्राफ्ट सरकार ने पूरा पब्लिक डोमेन में डाला था, उसको वेबसाइट पे उन्होंने लोड किया था ताकि वो सारी जनता उससे जुड़े लोग देख सकें और उसमें अगर कोई कमियां हो तो वो शेयर कर सकें, सुझाव दे सकें, ताकि उस बिल को आज की व्यवस्था के हिसाब से एक मजबूत बिल बनाया जा सके जो कि वर्तमान शिक्षा के ढांचे में जो बुनियादी कमियां हैं उनको दूर करके शिक्षा को मजबूत बनाया जा सके। ऐसा इस कृषि बिल के साथ किया जाना चाहिए था। मैं तो सिंपल कहता हूं, हम बड़े फक्र से कहते हैं कि हमारा देश 70% जो है वो कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी हमारी कृषि में बसती है, लेकिन आप पिछले कुछ सालों से देखें, पिछले कुछ सालों से क्या आजादी के बाद से आप निरंतर देखें कि जो कृषि प्रधान देश है उसमें जो कृषि से जुड़ी आबादी वो धीरे धीरे कृषि से दूर होती जा रही है। आज गांवों की हालत देखिए, पलायन बढ़ता जा रहा है, तो इस चीज को देखते हुए सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए था, ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि ये बिल एक जनता के बल बने, किसानों से भी आगे बढ़ के। रंजन, राजनीति का क्या हुलिया रहेगा इस पूरे मामले में? जी, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उछला, जो लोग इससे संबंधित हैं चाहे नहीं है, ऐसे कई नाम आए सामने जो इस किसानों के आंदोलन में किसी न किसी जरिए कूद करके ट्वीट करके अपनी है जो फैन फॉलोइंग्स बढ़ाने जा रहे हैं, और भारत जैसा कि मेरे सहयोगी अजय ने बताया कि कृषि प्रधान देश है और हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे किसान परिवार से जुड़े देश में बाहरी लोग जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग जिनका किसानी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वे लोग अपनी यहाँ शोकी बघार रहे हैं, वे यहाँ सलाह दे रहे हैं और वे यहाँ पंचायती कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ सक्षम लोग मौजूद हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ के जोधपुर से जो अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, वे पहले पूर्व में कृषि राज्य मंत्री थे, तब उनका बयान आया था कि क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट का सरकार जब एग्जीक्यूट करने जा रही थी उस समय, ये तो कांग्रेस के समय की बात, तो ये तो सब राजनीति है। अब आपका जो विषय है कि भविष्य क्या रहेगा, तो निश्चित तौर पर जैसा घटनाक्रम रहा है, सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए, जैसे स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कि आंदोलन को रोकने के लिए या आंदोलन में एक सुरक्षात्मक रवैया अपनाने के लिए जगह जगह किले लगाई गई, बैरिकेड्स लगाए गए, तारबंदी की गई, तो उधर दूसरी तरफ एक दूसरा पहलू और भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसा मैंने अपनी इस बात की शुरुआत में कहा कि आंदोलन का स्वरूप बदल गया, जो नई जनरेशन आ रही है, हमने आंदोलन सुना है, पढ़ा है, गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में सुना है, उनकी दांडी यात्रा के बारे में सुना है, हमने ये कभी नहीं सुना कि जो आंदोलन में पिज्जा मिल रहा है, काजू किशमिश बट रहे हैं, तो ये एक नया रूप देखने को मिला है। अजय, बिल्कुल सही बात है, जैसा इन्होंने बोला कि बाहर से जिस तरह के ट्वीट हो रहे हैं, जैसे ग्रेटा थनबर्ग का रहा, चाहे हॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों का रहा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनका इस तरह से ट्वीट करने का, किसान आंदोलन को समर्थन देने का क्या नजरिया हो सकता है, या पीछे कोई उनकी ताकत है या कोई उनको मोटिवेट कर रहा है, नहीं है, वो अलग बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे देश का मसला है, कृषि प्रधान देश का मसला है, और उसको हमें आपस में सुलझाना है। आप ये देखिए कि बड़े शर्म की बात, शर्म तब महसूस होती है जब हमारे यहाँ के लोग
जो इस आंदोलन के समर्थन कर रहे हैं, जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, वो उन लोगों की भी हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत गलत मैसेज जाता है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि आप चाहे विपक्ष में हो, चाहे पक्ष में हो, चाहे आप किसी मुद्दे से साबका रखते हो चाहे नहीं रखते हो, चाहे आपको कुछ ठीक लगता हो नहीं लगता हो, ये हमारे देश में ही हमारे आपस में मिलकर बैठ के करने वाली बात है। अब देखिए, यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इन बाहर से आने वाले ट्वीट का समर्थन किया है और इनके विरोध में यहां से जिन लोगों ने बातें की उनको आड़े हाथों लिया है, तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं देता है। हाँ, ये जरूर है कि सरकार बैकफुट पर है। पंजाब और हरियाणा का जहां तक सवाल था, जब तक ये आंदोलन वहां तक सीमित था, तब तक सरकार हो सकता है इतनी चिंतित नहीं रही हो, क्योंकि वहां आप राजनीतिक नजरिए से देखें तो केंद्र सरकार को या बीजेपी का कोई आधार नजर नहीं आता है। चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा में भी भले ही बीजेपी की सरकार होगी, लेकिन वहां सीधे तौर पर बीजेपी का इतना दखल नहीं है। अब जब चूंकि सारा आंदोलन यूपी पर फेमस फोकस हो गया है, यूपी के किसान जो जाट हिंटरलैंड से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जिनका इस बार के इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में काफी बीजेपी को जिताने में बहुत बड़ा हाथ रहा था, अब आप देखिए अगले साल ही विधानसभा के चुनाव हैं यूपी में, तो बीजेपी के लिए निश्चित रूप से ये एक खतरे की घंटी है, जिससे वो अवश्य चाहेगी कि समय रहते इसको सुलझा लिया जाए। जी, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा मैं कि जैसा कि यूपी के चुनावों की बात आ रही है, अभी जो टिकट का बयान आया है उसमें जो चक्का जाम को लेकर के बात कही गई, उसमें उसने कहा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों को उन्होंने नहीं बुलाया है, तो क्या वास्तव में ऐसी क्या वजह रहेगी, जबकि आप तो आंदोलन आपका जो है उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पे हो रहा है दिल्ली की, तो उत्तराखंड के लोग किसानी से जो जुड़े हैं उन लोगों के लिए बयान नहीं आया, बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके लिए जरूर बयान आया है कि आप लोग आए बड़ी संख्या में चक्का जाम करना है, और साथ ही साथ दूसरी बात कही है कि हम इस बार ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि किसानों के आंदोलन को धक्का लगे इस बारी। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए विशेष तौर से ये कहा गया है, तो इस विशेष के कुछ न कुछ तो मायने निकलते होंगे। सत्ता और सियासत और विपक्ष में बैठे लोग और उसके बाद में किसान आंदोलन, अगर किसान आंदोलन की बात करें, हम बेसिक बात करें किसान आंदोलन की, अगर किसान आंदोलन की बात करें 1857 में, उससे पहले भी भारत में किसान आंदोलन हुए, गुजरात के खेड़ा और बिहार के चंपारण, महात्मा गांधी इनसे जुड़े हुए थे, और वो आंदोलन चले, उन्होंने सरकार की चूल्हे हिलाती थी, किसान आंदोलन भी चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी सरकार कितने कदम आगे बढ़ती है या अपनी तरफ से किसानों को किस तरीके से समझा पाती है या किसान किस तरीके से समझते हैं और आंदोलन को खत्म करते हैं। बेसिक बात में बहरहाल इतना ही, आप जुड़े रहिए एनबी हिंदी के साथ में और हम बेसिक बात के साथ में एक नया मुद्दा नई चर्चा लेकर जल्द आपके साथ में हाजिर होंगे। नमस्ते।